सो वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ईथर एज वेल एज अमीन्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स जिनके अंदर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इनकी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको नंबरिंग करनी है इस वे में, नंबर इन ए वे दैट the carbon double bond carbon gets the lowest number। आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके सबसे छोटे से छोटा नंबर मिले। ध्यान रहे, अभी तक हम वो नोमेनक्लेचर पे नहीं आए हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट मिले, कार्बन डबल बॉन्ड को मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को मिलना चाहिए क्योंकि अभी तक हम फंक्शनल ग्रुप नेमिंग पे नहीं आए हैं। तो ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना दिया, ठीक है। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। लेकिन नंबरिंग इस तरह से नहीं करनी, आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है एज ए प्रिंसिपल चेन जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल भी हो बट कंटेनिंग द अनसेचुरेटेड बॉन्ड भी हो। इस बॉन्ड को काउंट करके देखो, यहाँ पे एक और मैं ऐसे बना देता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड भी आ गया इसके अंदर। अगर इस साइड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इस चेन को क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करेंगे। ये चेन हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल चेन हो गई। अब इसके नंबरिंग कैसे करनी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। तो एक एंड से स्टार्ट करना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, 1 2 3 4 5 छः। तो इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी आ गया और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी हो गई हमारी इंक्लूडिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो ये सबसे पहले नेम लिखने के लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, प्रोपाइल। कौन सी पोजिशन पे लगा है, सेकेंड पोजिशन पे चेन पे। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 6। क्या साइक्लिक है, नहीं साइक्लो नहीं आएगा। कितने कार्बन की चेन है, 6। 6 के लिए क्या लिख सकते हैं, हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम सिंपल इन लिख सकते हैं। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट ही पोजीशन पे होता है वहां पे वन लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी को आप एक और मेथड में लिख सकते हो, किसमें, 2 प्रोपाइल 1 हेक्जीन। ये तीनों के तीनों नाम सही हैं। प्रेफरेबल नेम ये होता है हमारा, जो पॉसिबल नेम होता है जो प्रेफर किया जाता है ये होता है, लेकिन ये तीनों के तीनों नाम क्या है, ठीक है। जब नंबर नहीं लिखा जाता उसका मीनिंग भी होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड पहले ही पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर नंबर आप हेक्स के बाद लिख देते हो, वन इन की पहली पोजीशन पे इन है, यानी इन किसके लिए लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए, पहली पोजीशन पे इन है, या फिर आप वन पहले लिख दो और हेक्जीन लिख दो, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पहली पोजीशन पे है, ये तीनों के तीनों नाम ठीक होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड रिंग का पार्ट है, फिक्र मत कीजिए, क्वेश्चंस हम बहुत करेंगे, एक बार थ्योरी का पार्ट आपका हो जाए तब तक थ्योरी को समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलूंगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पॉइंट है, इफ द डबल बॉन्ड, ओके वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, ओके ठीक है चल रही है। If the double bond is part of the ring, अगर ring के अंदर double bond है, then number is not needed to show its position
एज, इट इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट नंबर। देखो अगर रिंग का पार्ट है डबल बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ पे रिंग बना दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगे हैं, तो हम जब इसका नेम लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड की, किस साइड से नंबरिंग करेंगे, देखो दो साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, या तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं करना कि यहाँ 1 दे के यहाँ 2 लिख दिया, पहले कंप्लीट डबल बॉन्ड को 1, 2 नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद आगे चलना है। एक मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिला, 4 और 6, 4 + 6 कितना आ गया 10, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला 3 और 5 कितना आ गया 8, तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है कि ये वाला हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रहे हमने एक और रूल पढ़ा था कि जब किसी सब्स्टिट्यूएंट को हमने फर्स्ट नंबर दे दिया है, इसके अंदर देखो इसके अंदर अगर फर्स्ट नंबर हमने दे दिया है तो हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, सेकेंड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। लेकिन जब हमारा एल्कीन आ जाता है तो ये सब चेंज हो जाता है, एल्कीन में एल्कीन को सबसे पहले 1, 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल आपको देखना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना सेकंड को लोएस्ट मिले, आपको देखना है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। तो ये वाली हमारी नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है। तो नेम क्या आएगा इस कंपाउंड का, देखो 3,5-डाई-मिथाइल। अब आप इस कंपाउंड को लिखते हो या तो कि साइक्लो हेक्स 1-ईन, एक आप लिख सकते हो 3,5-डाई-मिथाइल-1-साइक्लोहेक्सीन, एक आप लिख सकते हो तीसरा नेम, यहां पे मैं लिख देता हूं 3,5-डाई-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इन आ गया मींस डबल बॉन्ड है। तो रूल क्या कह रहा है कि जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए हमें 1, 2 लिखने की नीड नहीं है, तो ये वाले हम नहीं लिखेंगे, हम ये वाला लिखेंगे। जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो हमें 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करने के लिए, उसे हमेशा 1 ही पोजीशन हम क्या लेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ओके, आगे हम चलते हैं। इसमें क्या है कि अभी मैंने क्या कहा कि हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा हम लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं इस कंपाउंड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, सम कितना आया 4 और 3, 7 और 2, 9। एक मैं दूसरी साइड से अगर इसी कंपाउंड की नंबरिंग करूं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब्स्टिट्यूएंट किस किस पे है, 1 पे है, 6 पे है, 5 पे है, सम कितना आया 12। अब इनमें से कौन सी सही है, कि डबल बॉन्ड से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, यहाँ भी सही है, वहाँ भी सही है, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा, वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। ध्यान दो, जब भी रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पे कहीं भी अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, चाहे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करे या ना करे।
यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये वाला सही है। आपको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पे रिंग में डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। क्लियर है? तो इसका नेम क्या आएगा कंपाउंड का करेक्ट नेम? 1,5,6 ट्राई मिथाई साइक्लोहेक्सीन। और फिर से पहले वाला रूल कि जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उसकी पोजीशन शो नहीं करनी, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 1 और 2 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड है अगर रिंग के अंदर तो उस डबल बॉन्ड को सबसे छोटे नंबर मिलेंगे 1 और 2। दूसरी चीज, आपको नंबरिंग करते टाइम एक डबल बॉन्ड की कार्बन से स्टार्ट करना और दूसरी से होते हुए पूरी चेन की नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर रिंग पे और डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगाए वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, चाहे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो या ना हो। ये था इंपॉर्टेंट रूल किसका, नंबरिंग ऑफ एल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे ही एल्काइन है, एल्काइन में क्या है, वाई एन ई आएगा। सिंपल, जैसे मैं यहां पे ये लिख दूं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखो, वहीं अनसेचुरेटेड बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए 3-4। क्या नंबरिंग आ जाएगी? प्रोप 1 आइन या फिर 1 प्रोपाइन। दोनों नाम सही हैं, ध्यान रखना कोई भी नाम गलत नहीं है दोनों में से, ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है, प्रेफरेबल, इस तरह के ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं एग्जाम में। इसी तरह से वाई एन ए लगाना है। ठीक है, और सेम डबल बॉन्ड वाले रूल यहाँ पे भी फॉलो होते हैं जो अभी हमने जस्ट एल्केन्स वाले किए, अब उनको बार बार रिपीट करने का बेनिफिट है नहीं। तो हम चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद हमारा टॉपिक आता है व्हेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, जब दोनों ही प्रेजेंट हो तब क्या करना है। ध्यान से देखो, जब दोनों ही प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, पहली चीज सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स, और दूसरी चीज एंड नंबर इन ए वे दैट लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स इज फॉलोड। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड हो। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर इस तरह से करना है कि लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो। ये किसके लिए बोला है लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। देखो नंबरिंग करेंगे इस साइड से क्योंकि सबसे छोटे नंबर मिलेंगे अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स को, तो इसका नेम क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखा इस तरह से नंबरिंग की कि अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स को लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो। उसके साथ साथ ऐसी चेन सेलेक्ट की जिसमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड होने के साथ साथ क्या था, लॉन्गेस्ट चेन भी थी। इनका नाम कैसे लिखते हैं, इनका नाम लिखते हैं एल्कीनाइन, यानी कि पहले डबल बॉन्ड वाला उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो कैसे लिखेंगे, देखो कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल, कौन सी पोजीशन पे, 4 पे, तो क्या लिखेंगे 4-ethyl। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं, वर्ड रूट, कितने कार्बन चेन है, 7 कार्बन की, तो यहां पे लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद इन, यानी कि पहले डबल बॉन्ड वाला लिखना है, कौन सी पोजिशन पे है डबल बॉन्ड, 3rd पोजिशन पे, तो क्या लिखेंगे 2-ene। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है,
फर्स्ट पोजिशन पे, तो क्या लिख देंगे, वन आई। वन आई, तो ध्यान से देखो क्या किया हमने, हमने ऐसी चेन सेलेक्ट की जो लॉन्गेस्ट भी थी, जिसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए, और हमने इस तरह से नंबरिंग की कि अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स को लोएस्ट नंबर मिले। इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, देखो इसी नेम में दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप ये जो डबल बॉन्ड वाला दो है इसको आगे भी ला सकते हो, फोर इथाइल टू हेप्टीन वन आयन, ये दोनों के दोनों नेम ही क्या है, सही है, डबल बॉन्ड वाले नंबर को आप आगे ला सकते हो अगर सब्स्टिट्यूएंट और वर्ड रूट के बीच में कुछ और नहीं है तो, ये भी सही है, दोनों के दोनों नेम क्या है, सही है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं, देखो दूसरी चीज, इफ देयर इज ए चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को प्रायोरिटी देनी है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बजाय। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों साइड से अगर यहां से नंबरिंग करो, वन टू थ्री फोर फाइव, इसको जहां पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा वन मिला, इसको जहां पे स्टार्ट हो रहा चार मिला, एक और चार पांच, ठीक है, दूसरी साइड से करोगे नंबरिंग तब भी सेम आएगा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव, यहां पे वन मिला जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और इसको चार मिला कार्बन को जहां पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों का सम कितना आ गया, फाइव, तो यहां पे भी सम फाइव आ रहा है, तो अब प्रायोरिटी क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे हम डबल बॉन्ड को, वन टू थ्री फोर फाइव, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है ना कि ट्रिपल बॉन्ड को, ये ध्यान रखना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पांच कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल डबल बॉन्ड कितने पे है, वन पे, तो वन इन, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, चार पे, फोर आइन, और इसी को दूसरे वे में कैसे लिख सकते हो, वन पेंटीन फोर आइन, ये दोनों के दोनों नेम क्या है, ये दोनों के दोनों नेम ही सही हैं, ध्यान रखना है। क्या बात की है हमने कि जब डबल बॉन्ड होता है तब, और ट्रिपल बॉन्ड होता है जब दोनों होते हैं तब, हमें सबसे पहले तो लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करना है। अगर दो पॉसिबल रास्ते हैं जिन पे दोनों पे ही लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है, तब हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग करते टाइम, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को, ये रूल कहता है। तो ये चीजें आपको क्या है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एल्किन्स और एल्काइन्स की नेमिंग में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एल्किन्स और एल्काइन्स की नेमिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट, और आगे वाले जो टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है एक दूसरे से, अगर मैं अभी वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो वो मुझे कंटिन्यूस चलने पड़ेगी 30-40 मिनट, और ये वीडियो ऑलरेडी 20-22 मिनट की हो चुकी आई थिंक। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी सब नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस की आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक एक दो दो एग्जांपल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे अटेम्प्ट, और जो भी आपकी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे। आपको कोई डाउट हो कोई किसी भी रूल में किसी भी चीज़ में आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर कोई इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। So thank you for cooperation. I will see you in next video. Tab tak ke liye bye bye and take care.